गाइज आज जो मैं गेम खेल रहा हूँ BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, आप में से बहुत से लोग खेलते होंगे, पर मैं अगर कहूँ कि क्या ये बैन होने वाला है तो आपको कैसा लगे? डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज लिंक होने की वजह से PUBG मोबाइल इंडिया में बैन हुआ था और उसी के बाद उस गेम का एक इंडियन वर्जन BGMI आया। लेकिन हाल फिलहाल में क्या BGMI भी बैन होने वाला है? ऐसी आर्टिकल्स तो गूगल पर आ रही हैं। गूगल में प्रेजेंट टाइम में BGMI बैन होने के बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बट क्या ये सच है? क्या सच में अब BGMI भी बैन हो जाएगा? BGMI में सब कुछ सही जा रहा था अब तक, बट अचानक से BGMI के खिलाफ एक PIL दर्ज हुआ। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पर इससे होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ग्रुप चाहे तो अपने इंटरेस्ट को यानी जो उसको चाहिए वो फाइल कर सकता है PIL के रूप में कि पब्लिक में एक ग्रुप है और हमें ये चाहिए। तो वो PIL फाइल किया था एडवोकेट अनिल स्टीवेंसन जंगम द्वारा। उस PIL का मतलब था कि BGMI गेम में अभी भी बहुत सारे चाइनीज एलिमेंट मौजूद है, कुछ ना कुछ चाइनीज लिंक है BGMI का। और ये लिखा गया था कि ये PUBG मोबाइल का ही कॉपी विद सम कॉस्मेटिक चेंजेस, कुछ ऊपर से बदल बदल के सेम गेम अलग नाम से ऑपरेट कर है। बट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव समाया बालन ने इस PIL को डिसक्रेडिट कर दिया और ये कहा कि हम इस PIL का सम्मान करते हैं बट PUBG और BGMI दोनों अलग अलग गेम है, दे आर डिफरेंट एप्लीकेशन। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद PIL रिप्लाई कर दिया तो इसका मतलब BGMI बैन तो नहीं होने वाला, और वैसे भी इंडिया के रूल को अडॉप्ट करके ही ये गेम रिलॉन्च हो, इंडिया में कंपनी रजिस्टर करने के बाद ही ये गेम इंडिया में वापस आया। BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया टाइटल में रहना और इंडिया में ऑपरेट करना, ये सब को फॉलो करके ही BGMI इंडिया में लॉन्च हुआ और वो लीगली है, इसलिए ये गेम बैन नहीं होने वाला। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले फ्री फायर गेम अलोंग विद 54 अदर्स एप्लीकेशन बैन हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि BGMI बैन नहीं होने वाला, ये एक लीगल गेम है इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें।